जय हिंद बच्चों, देखिए क्लास यूकेजी में हम हिंदी की पढ़ाई करते हैं। यहाँ डेट डालेंगे, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं देखिए। अ आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ। इसके बाद बेटा देखिए री की मात्रा आती है। री की मात्रा अभी थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इसको हम छोड़ते हैं। थोड़ा आप और पढ़ लेंगे और आपको समझ में आने लगेगा, तब री की मात्रा बताएंगे आपको। हम शुरू करते हैं ए की मात्रा। कौन सी मात्रा शुरू करेंगे? ए की। इसका निशान देखिए ये है, ये। अब हम किसी भी अक्षर पर जब क पर देखिए ए की मात्रा लगाएंगे, कैसे बोलेंगे? के। ख पर ए की मात्रा खे। ग पर ए की मात्रा गे। घ पर ए की मात्रा घे। च पर ए की मात्रा चे। छ पर ए की मात्रा छे। ज पर ए की मात्रा जे। और झ पर ए की मात्रा झे। अब आप किसी पर भी ए की मात्रा लगाएंगे तो ए करके बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए करके। इसका निशान देखिए ये है। ये री की मात्रा भी छोड़ते हैं बेटा, थोड़ा सा जब आह की मात्रा तक पढ़ लेंगे उसके बाद हम री की मात्रा आपको समझाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए र पर ए की मात्रा रे ल रेल। स पर ए की मात्रा से ब सेब। क पर ए की मात्रा के। ल पर आ की मात्रा ला केला। ब पर ए की मात्रा बे र बेर। श पर ए की मात्रा शे र शेर। ढ पर ए की मात्रा ढे र ढेर। द पर ए की मात्रा दे र देर। छ पर ए की मात्रा छे द छेद। ख पर ए की मात्रा खे द खेद। अब देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं। रेल सेब केला बेर शेर ढेर देर छेद खेद। इसको आप फिंगर रख के बेटा पढ़ेंगे और क्लास वर्क में इसको लिख लेंगे। री की मात्रा छोड़े हुए हैं, इसको हम आपको बाद में अच्छे से समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ी कठिन मात्रा है बेटा। और घर पर होमवर्क में आप कविता आसमान वाली यदि तैयार हो गई हुई तो इसको लिखिएगा। आपको आपकी कविता भी तैयार होनी चाहिए। कविता आपको आती है, इसको आप चार लाइन लिख लीजिए। आप आज की पढ़ाई बेटा इतनी है। जय हिंद बच्चों।